हाय फ्रेंड्स, आपको स्वागत करुच्छे स्टडी विथ रिंकु साहू जेनर। एक क्लास रे आम फंडामेंटल ड्यूटी बा मौलिक कर्तव्य विषय रे पढ़िबा। आपण जदि प्रतिदिन आम चैनल रे क्लास करिबा पई चाहंती ताहाले चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं टेलीग्राम ग्रुप रे मध्ये जनंतु, डिस्क्रिप्शन रे लिंक दिया जाइछि। एवं एही क्लास रे आम फंडामेंटल ड्यूटी विषय रे पढ़िबा बा मौलिक कर्तव्य विषय रे, एवं लास्ट रे आम मोस्ट इंपोर्टेंट 20 एमसीक्यू क्वेश्चन को मध्ये डिस्कशन करिबा। तेणु आरंभ करवा क्लास को। आम कॉन्स्टिट्यूशन रो को जगह लिखाई फंडामेंटल ड्यूटी विषय रे, पार्ट आई भी ए रे लिखाई फंडामेंटल ड्यूटी विषय रे, एवं को आर्टिकल रे लिखा जाई आर्टिकल 51 51 ए रु के पर्यंत लिखा जाई फंडामेंटल ड्यूटी विषय रे। केते टी अछि फंडामेंटल ड्यूटी? 11 टी अछि। मौलिक कर्तव्य बा फंडामेंटल ड्यूटी केते टी अछि? 11 टी अछि। एवं एहा को जगह रु निया जाई छि आम कॉन्स्टिट्यूशन रे को जगह रु निया जाई छि? एहा को USSR बा रुषियारु निया जाइछि फंडामेंटल ड्यूटी को। एवं आम ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन रे केते फंडामेंटल ड्यूटी था? जते बेले आम कॉन्स्टिट्यूशन तयारी करा गला सेही समय रे गुटे मध्ये फंडामेंटल ड्यूटी नथिला आम कॉन्स्टिट्यूशन रे। या को केबे ऐड करा गला? 42nd अमेंडमेंट एक्ट। 42nd अमेंडमेंट एक्ट जहाँ कहूँ समस्त गोटे गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट अटे। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 मसीह रे, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 मसीह रे, 42nd अमेंडमेंट 1976 मसीह रे ऐड करागला केते टी? 10टा फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड करागला। कहार रिकमेंडेशन रे करागला? स्वरंग सिंह कमिटी रो रिकमेंडेशन रे करागला फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड। एवं तापरे कोन करागला? 86 अमेंडमेंट एक्ट, 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 मसीह रे, 2002 मसीह रे 11 नंबर 10टी थिला आगरु। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 मसीह रे 10टी ऐड करागला। तापर 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 मसीह रे 11 नंबर फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड करागला। एवं एही फंडामेंटल 11 नंबर फंडामेंटल ड्यूटी को कोठार ऐड करागला? 51 रो के ठार ऐड करागला, 51 रो के ठार। एवं यार ड्यूटी माने कोन अटे? 6 रु 14 वर्ष रो बालक मानको, यह मोस्ट इंपोर्टेंट अटे। 6 रु 14 वर्ष रो बालक मानको निज पितामाता कर्तव्य अटे कि सेमाने स्कूल को पठाइबे। 6 रु 14 वर्ष रो बालक मानको निज पितामाता मौलिक कर्तव्य अटे कि सेमाने स्कूल को पठाइबे। एहा होची 51 के रे अछि। एवं एहा को 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 रे एहा को ऐड करा गला 11th फंडामेंटल ड्यूटी को। एवं एही फंडामेंटल ड्यूटी बा मौलिक कर्तव्यर कौनसी जुडिशियल रिव्यू होई पारिबो नाही बा जुडिशियल रिव्यू होई नथाय। जुडिशियल बा नॉन जस्टिफिएबल एहाको आमे सुप्रीम कोर्ट रे चैलेंज करि पारिबा नाही। तेणु देखिबा से फंडामेंटल ड्यूटी गुड़िक कौन कौन अछि एहा मु पढ़ुछि, एतरे कौनसी बुझिबार नाही, एहा पढ़ुछि मु आपण बुझिबे। ओडिया रे पढ़ुछि संविधान को मानि चलिबा एवं एहार आदर्श अनुष्ठान मानंकु एवं जातीय पताका ओ जातीय संगीत को सम्मान प्रदर्शन करिबा। अर्थात कौन अछि प्रथमटी करे कौन दिया जाइछि बा फास्टटा कौन अछि? संविधान को मानि चलिबा एवं यहार आदर्श अनुष्ठान मानंकु एवं जातीय पताका ओ जातीय संगीत को सम्मान प्रदर्शन करिबा। सेकंडटा कौन अछि? जेउ सब महनीय आदर्श आम जातीय स्वाधीनता संग्राम को अनुप्राणित करथिला ताहा को स्मरण ओ अनुसरण करिबा। नेक्स्ट कौन अछि? भारतर सार्वभौम एकता ओ संहति बजाय एवं सुरक्षित रखिबा। नेक्स्ट कौन अछि? देशर प्रतिरक्षा करिबा ओ आवश्यक स्थले जातीय सेवा प्रदान करिबा। नेक्स्ट कौन अछि? धर्मगत भाषागत एवं आंचलिक किंबा गोष्ठीगत विभिन्नता को अतिक्रम करि भारतर जनसाधारणक मध्यरे ऐक्य ओ भातृत्व भाव प्रतिष्ठा करिबा एवं नारी जातिर मर्यादा हानिसूचक व्यवहार परित्याग करिबा। नेक्स्ट कौन अछि? आमर संस्कृतिर मूल्यवान ऐतिह्यक सम्मान प्रदर्शन ओ संरक्षण करिबा। नेक्स्ट कौन अछि? 6 रे कौन अछि? अरण्य ह्रद नदी वन्यप्राणी समेत प्राकृतिक परिवेशर सुरक्षा ओ उन्नति करिबा एवं जीवजगत प्रति अनुकंपा प्रदर्शन करिबा। नेक्स्ट कौन अछि? वैज्ञानिक मनोभाव मानववाद एवं अनुसंधिस्ना ओ संस्कार मनोभाव पोषण करिबा।
ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଅଛି, ସର୍ବସାଧାରଣ ସମ୍ପତ୍ତିର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ଓ ହିଂସା ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଅଛି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ସମଷ୍ଟିଗତ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍କର୍ଷ ସାଧନ କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଦେଶ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଓ କୃତିତ୍ୱର ଉଚ୍ଚତର ସୋପାନକୁ ଅବିରତ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବ। ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଲାଷ୍ଟଟା, ଟରେ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି, ମାତା ବା ପିତା ବା ଅଭିଭାବକ ତାଙ୍କର 6 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ 14 ବର୍ଷ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସନ୍ତାନ ବା ପାଳିତକୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭର ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବା। ଅର୍ଥାତ୍ ଲାଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ, ଏହା କ'ଣ ଅଟେ, 6ରୁ 14 ବର୍ଷର 6ରୁ 14 ବର୍ଷର ବାଳକମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ କି ସେମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ପଠାଇବେ। ଏହା ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ ଅଟେ, ଏହା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଆପଣ ଯଦି ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ଟେ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଦେଖିବା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ 20 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଏଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସୁଛି ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରୁ, ତାହେଲେ ଏହି 20 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରୁ ନିହାତି ଆସିବ ବା ଏହି ଡିସ୍କସନ୍ରୁ ଆସିବ। ଦ ଅରିଜିନାଲି ହାଉ ମେନି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍, ଯେତେବେଳେ ଆମ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ତିଆରି କରାଗଲା ସେହି ସମୟରେ କେତୋଟି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ଥିଲା, ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ, ନନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏବଭ୍। ଯେତେବେଳେ ଆମ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ତିଆରି କରାଗଲା ସେହି ସମୟରେ ଆମ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ରେ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ନଥିଲା। ତେଣୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ, ଡି ହେବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ହ୍ୱିଚ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ମେନ୍ସନ୍ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି, ଆମ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ର କେଉଁ ପାର୍ଟରେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିକୁ ମେନ୍ସନ୍ କରାଯାଇଛି, କେଉଁ ପାର୍ଟରେ ମେନ୍ସନ୍ କରାଯାଇଛି ବା କେଉଁ ପାର୍ଟରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ପାର୍ଟ IVA-ରେ। ଏବଂ ଏହାକୁ ଆପଣ ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ, କେମିତି ଜାଣିପାରିବେ, ଏହି କ୍ୟାପିଟାଲ ଏ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଏହା କ'ଣ ଅଛି, ଆମ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ରେ ନଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଏହାକୁ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କରି ଏଡ଼୍ କରାଯାଇଛି ତାହାକୁ ଏହିଭଳି କ୍ୟାପିଟାଲ ଏରେ ସୂଚା ଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ହ୍ୱିଚ୍ ଆର୍ଟିକଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ମେନ୍ସନ୍ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି, କେଉଁ ଆର୍ଟିକେଲରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ବିଷୟରେ, କେଉଁ ଆର୍ଟିକେଲରେ, 51A-ରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ହ୍ୱିଚ୍ କମିଟି ୱାଜ୍ କନଷ୍ଟିଚୁଏଟେଡ୍ ଟୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ଦ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ଲିଗାଲ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଫର୍ ଦ ଇମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଫ୍ ସମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି। ଅର୍ଥାତ୍ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିକୁ କେଉଁ କେଉଁଟା ଲାଗୁ କରିବା ନା କେଉଁଟା ଲାଗୁ କରିବା ନାହିଁ, ତାକୁ କିଏ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିଛି, କେଉଁ କମିଟି, ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ବର୍ମା କମିଟି। ବର୍ମା କମିଟି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିଥିଲା କେଉଁଟା ଏଠାରେ ଦିଆଯିବ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଏବଂ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିରେ ନ ଦିଆଯିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଦ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ହ୍ୟାଭ୍ ବିନ୍ ବରୋଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ହ୍ୱିଚ୍ କଣ୍ଟ୍ରି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍, କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରିର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ରୁ ନିଆଯାଇଛି, କେଉଁଠାରୁ ନିଆଯାଇଛି, ରୁଷିଆରୁ ବା ସୋଭିଏତ୍ ୟୁନିଅନ୍ରୁ ନିଆଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି, କେଉଁଟା ଗୋଟିଏ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ନୁହେଁ, ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଟୁ ଡେଭଲପ୍ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟେମ୍ପର, ଟୁ ଡେଭଲପ୍ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟେମ୍ପର ଅଟେ, ଟୁ ସେଫ୍ଗାର୍ଡ ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ରପର୍ଟି, ଏହା ମଧ୍ୟ ଅଟେ, ଟୁ ଭୋଟ୍ ଇନ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍, ପବ୍ଲିକ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭୋଟ୍ ଦେଇଥାଉ ତାହା ଆମର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ନୁହେଁ, ଟୁ ଅପହୋଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ଦ ସଭାଜିନିଟି ୟୁନିଟି ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତେଣୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ, କେଉଁଟା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ନୁହେଁ, ଭୋଟ୍ ଦେବା ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟିଏ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ନୁହେଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ, କେଉଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟି ସଠିକ୍ ଅଟେ, ଦ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ଆର୍ କନଫାଇନ୍ ଟୁ ସିଟିଜେନ୍ ଓନ୍ଲି ଆଣ୍ଡ ନନ୍ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ଼୍ ଟୁ ଫରେନର୍ସ। ଅର୍ଥାତ୍ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଟେ, ଫରେନର୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ଆର୍ ନଟ୍ ଜଷ୍ଟିସିଏବୁଲ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାର ଯଦି ଆମେ ମାନିବା ନାହିଁ ତାହେଲେ କେହି ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଏହାର ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ରିଭ୍ୟୁ ହୋଇନଥାଏ। ଦେୟାର୍ ଇଜ୍ ନୋ ଲିଗାଲ୍ ସେକ୍ସନ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦ ଭାଇଲେସନ୍ ଅଫ୍ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି, ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ଲିଗାଲ୍ ସେକ୍ସନ୍ ନିଆଯିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ, ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ହେବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଦ ଡ୍ୟୁଟି ଅଫ୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଟୁ ସେଣ୍ଡ ଦ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଅଫ୍ 6 ରୁ 14 ଇୟର୍ସ ଅଫ୍ ଏଜ୍ ଟୁ ସ୍କୁଲ୍ ଇଜେ, 6ରୁ 14 ବର୍ଷର ବାଳକମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲକୁ ପଠାଇବା ତାଙ୍କର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି ଅଟେ, ଏହା କ'ଣ ଅଟେ, ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ଅଟେ, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଦ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ୱେର୍ ଏଡେଡ୍ ଇନ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବାଏ ଡେସ୍ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ, କେଉଁ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟରେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିକୁ ଏଡ୍ କରାଗଲା ଆମ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ରେ, କେଉଁଠାରେ, 42nd ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ 1976 ମସିହାରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଦ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ୱେର୍ ଏଡେଡ୍ ଇନ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବାଏ 42nd ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ 1976
अंडर रिकमेंडेशन ऑफ कहार रिकमेंडेशन रे याको ऐड करा जाय थिला कहार रिकमेंडेशन रे स्वरंग सिंह कमिटी रो रिकमेंडेशन रे ऐड करा जाय थिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा देयर आर हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम कॉन्स्टिट्यूशन रे केतरी फंडामेंटल ड्यूटी अछि वर्तमान 11 टी अछि 11 टी फंडामेंटल ड्यूटी अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डैश इन नेचर किपर नेचर अटे फंडामेंटल ड्यूटी नॉन जस्टिसेबल बा नॉन जुडिसेबल नेचर अटे कोर्ट को जाय पारिबा नाही। द 11th फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडेड बाय डैश अमेंडमेंट एक्ट 11th नंबर फंडामेंटल ड्यूटी को केबे ऐड करा जितला हम कॉन्स्टिट्यूशन रे 86 अमेंडमेंट एक्ट 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 मसिया रे याको ऐड करा जितला। नेक्स्ट देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल ड्यूटी वेयर नॉट आइडेंटिफाइड बाय बर्मा कमिटी बर्मा कमिटी कौन करथिला सिलेक्ट करथाय थिला बा आइडेंटिफाई करथिला फंडामेंटल ड्यूटी को किंतु कोटा को से सिलेक्ट करि नथिला बा आइडेंटिफाई करि नथिला। द इंडियन पेनल कोड आईपीसी या को करथिला द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 या को करथिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 या को करि नथिला तेणु यार सठिक आंसर कौन हेबो सी हेबो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा ओरिजिनली व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैव फंडामेंटल ड्यूटी ओरिजिनली को कंट्री रे फंडामेंटल ड्यूटी थिला कोठारे थिला जापान रे थिला किंतु आम देश रो जो निया जाय छी था रूसिया रो निया जाय छी आम देश रे रूसिया रो निया जाय छी किंतु ओरिजिनली कोठारे थिला सर्वप्रथमे जापान रे थिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इज ए प्रोविजन मेड इन द या को जगह रे लिखा जाय छी फंडामेंटल ड्यूटी रे लिखा जाय छी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटी वेयर एडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd अमेंडमेंट 1976 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 रे केतेटी फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड करा जितला 10टी यार सटीक आंसर हबो 10टी ऐड करा जितला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा फंडामेंटल ड्यूटी आर नॉट अचीवेबल कोटा अचीव करि नथाय बा कोटा नहे ता अनुसार कोटा रॉन्ग अटे सोशल एक्सेप्टेंस मोरल एक्सेप्टेंस पॉलिटिकल एक्सेप्टेंस ये समस्त अटे किंतु लीगल अप्रूवल होइ नथाय फंडामेंटल ड्यूटी रो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच अमेंडमेंट एक्ट फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर एडेड को अमेंडमेंट एक्ट रे ऐड करा गला फंडामेंटल ड्यूटी को कोथरे ऐड करा गला 44 अमेंडमेंट सॉरी एठारे ऑप्शन रे नै 42nd रे करा जितला तापर एठारे 86 अछि तनु यार सही आंसर कोन हबो 86 अमेंडमेंट एक्ट हबो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन 11th फंडामेंटल ड्यूटी को आर्टिकल रे लिखा जाय छी 11th फंडामेंटल ड्यूटी को यार सही आंसर हबो 51 रो के रे लिखा जाय छी 11th फंडामेंटल ड्यूटी को तेनु यार सही आंसर कोन हबो सी हबो यार सही आंसर। एवं आपण जदि एबे पर्यंत चैनल को सब्सक्राइब करिनांती ताले सब्सक्राइब करंतु चैनल को एवं लाइक करिनांती ताले लाइक करंतु शेयर करिनांती ताले शेयर मध्य करंतु तेणु थैंक यू। आपण जदि एही फंडामेंटल राइट रो मध्य क्लास करा जाय छी एवं इंडियन पॉलिटी रो समस्त क्लास को देखिबा पई आपण आम चैनल रो इंडियन पॉलिटी प्लेलिस्ट को जे देखि पारबे एवं प्रतिदिन क्लास करबा पई आपण चैनल को सब्सक्राइब मध्य करंतु एवं टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन हेना तारे जॉइन होंतु तेणु थैंक यू।